ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में संगठन में कई अहम पदों पर रहे प्रदेश अध्यक्ष, और देखिए बड़ी चर्चाएं उनको लेकर भी थी कि क्या बड़ी भूमिका कैबिनेट में दी जा सकती है। तो सभा जी, कैबिनेट का चेहरा तो बन रहे हैं। अगर हम अपना अब टीवी स्क्रीन में देखें तो वो और केशव प्रसाद मौर्य बैठे हुए, ये है बीजेपी की ओबीसी की ताकत। और दोनों मौर्य में भी कुर्मी में भी चैलेंज था विपक्ष की तरफ से, लेकिन बीजेपी ने अच्छा खासा मैनेज कर लिया है। तो ये सब ज्यादातर मैं देखती हूँ कि ये जो संगठन, जो लोग संगठन में सक्सेसफुल हैं, जो लोग संगठन में काम कर रहे हैं, मजबूती से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, मजबूती से जो वर्कर से मिलते हैं, उन लोगों को रिवॉर्ड किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बड़े नेता, एक सेकंड सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि जो नेता चुनाव हारे थे बड़े, अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के। तो आगरा की आप मेयर रहीं, उत्तराखंड की आप राज्यपाल रहीं, और 1990 से देखिए राजनीतिक पारी की शुरुआत की, लेकिन चुनावी जमीन पर जब उतरी तो एक बार फिर चुनाव उन्होंने वहां पर लड़ा, जीत दर्ज की, और अब कैबिनेट का चेहरा बनते हुए भी राजगोपालन जी हम देख रहे हैं बेबी रानी मौर्य। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस दिन उत्तराखंड से गवर्नर का इस्तीफा दिया उस दिन निर्णय हुआ ये उपमंत्री का तैयार है, लेकिन आज उपमंत्री नहीं बनाया है, ये वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया है। लेकिन दूसरी चीज है मीनाक्षी जी, थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार आया, इसमें पूरी की पूरी 13 चीफ मिनिस्टर्स के बीच में 20 साल सत्ता में रहा नरेंद्र मोदी, नेक्स्ट इज मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, 13 साल है एकदम लगातार चीफ मिनिस्टर। लेकिन ये चीज है, इम्पॉर्टेंट चीज दिखाता है, जैसे इस स्टेडियम में पिछले कोरोना के शुरुआत में ट्रंप का स्वागत किया इतना भीड़, अभी कोरोना खत्म होने का टाइम करने का कष्ट करें। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। आधा वोट तो भाजपा में चला गया है, तो उनकी अहमियत ये भी है। तो जब प्रतीकों की राजनीति की बात होती है तो एक चेहरा आप जरूर वहां पर लेकर आए। लक्ष्मी नारायण चौधरी इस वक्त शपथ ले रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप एक बड़ा जाट चेहरा है। 2015 में बीजेपी में आप शामिल हुए, और सियासी सफर की शुरुआत 1985 में हुई, मथुरा की छाता सीट से विधायक, हालांकि पहले भी कैबिनेट में आप मंत्री रह चुके हैं, और एक बार फिर उनको यहाँ पर रिपीट किया गया है। तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी। और देखिए अवधेश जी, ये बड़ा दिलचस्प है यहाँ पर देखना कि जो एक तस्वीर चुनाव से पहले दिख रही थी कि जाटों का वोट क्या वापस शिफ्ट होगा, जाट नेताओं की क्या भूमिका रहेगी, एक अहम बैठक अमित शाह ने की थी जाट नेताओं से दिल्ली में, उन सब के बीच आज जब हम यहां पर लक्ष्मी नारायण चौधरी को शपथ लेते हुए देख रहे हैं, क्या मैसेज कम्युनिटी में भी जा रहा है? देखिए लक्ष्मी नारायण, कम्युनिटी में तो मैसेज जाता ही जाता है। हम लोगों ने ये मान लिया था, असल में कई बार जो वातावरण बनता है ना कि किसान कृषि कानून के विरोध में आंदोलन के कारण सारे जाट विरोधी हो गए हैं, धरातल पर वैसा ही नहीं होता है। और लक्ष्मी नारायण चौधरी बाकी जाट नेताओं की तरह आक्रामक होकर काम करने वाले नहीं रहे, वहां धरातल पर काम करने में इनके क्षेत्र में भी गया था, बहुत अच्छी छवि लोगों ने देखी। मथुरा में दूसरे नेताओं के खिलाफ पार्टी में असंतोष था, इनके खिलाफ ऐसा असंतोष मैंने नहीं देखा था वहां। तो जाटों में तो जाति है कि उनके नेता बन रहे, लेकिन जाट के अलावा भी जो संपूर्ण रूप से जो एक समग्र चेहरा होता है हिंदुओं के बीच में, वो भी इनका एक चेहरा रहा है।